सो हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब फॉर व्लॉग गाइस। तो आज हम फिर से आ गए हैं मुंबई घूमने के लिए। तो हुआ क्या ना, पिछले व्लॉग में जो है बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही थी, तो मैं ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है व्लॉगिंग करना अवॉइड ही करूँगा। तो आज हम जा रहे हैं दोस्तों जुहू बीच, और अभी हमें बस स्टॉप पे, तो अभी बस का वेट हो रहा है, और जैसे ही बस आती है बस में बैठ के सीधा आपको मिलते हैं जुहू बीच। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों जुहू, और उस साइड जाने अभी। अब यार वो अलग, मैं अलग हो गया हूँ, तो पहले तो उसको ढूंढता हूँ पहले। चलो एक तो मिल गया हूँ वहाँ पे खड़ा है। 4 किलोमीटर आने में दोस्तों 1.5 घंटा लग गया है, इतना ट्रैफिक है मुंबई में, समझ सकते हो आप। और ये देखो दोस्तों जहाँ तक नज़रें जा रही है बस लोग ही लोग हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है आज हम आए हैं कहाँ, जुहू बीच, और हमारे साथ हैं कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके हमारे भाई आर्यन। तो इनका नाम भी आर्यन है, और ये बहुत तगड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप जुहू बीच के बारे में? जुहू बीच के बारे में कुछ बोले ले रहे आए हैं, अभी थोड़ी देर बाद में चिल होएंगे। तो अभी जो है दोस्तों जा रहे हैं हम होटल पे, बढ़िया रेसियन बुक कराते हैं। तो भाई भीड़ इतनी है यहाँ की, फ़ोटो खिंचाने का मन भी नहीं कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा देखते हैं, अभी वो लोग मिल जाते हैं तो फिर इसके बाद साथ में खिंचाएंगे फोटोज। अभी एक बार उनको ढूंढ लेते हैं। बाकी भाई मुंबई आए और जुहू बीच नहीं आए तो फिर क्या आए, ऐसी खूबसूरती कहीं और देखने को कहाँ मिलेगी जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी निगाहों से। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। क्या यार, कब का कॉल किया आपको? कॉल किया, मैं तो सोच रहा था वो कलश के अंदर तो नहीं घुस गए कहीं। तो देख सकते हो दोस्तों हजारों की भीड़ यहाँ पे, रोज ही लगती होगी ऐसी। तो इधर बादाम, बादाम नॉर्मल वाला है, कच्चा बादाम वाला है भैया? बादाम कौन सा, कच्चा बादाम कौन सा? कच्चा बादाम नहीं मिलेगा, रोला वाला कच्चा बादाम नहीं बोले, कच्चा बादाम नहीं है, फालूदे है। तो भैया अभी हम मस्त घूम रहे हैं जुहू बीच में, और क्या मस्त मस्त हवाएं चल रही हैं। थोड़ा समुंदर को और करीब से देखते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने दिनों से सिर्फ एक ही ड्रेस में दिख रहा है, उन्हीं कपड़ों में दिख रहा है, इसके पास दूसरे कपड़े नहीं होंगे क्या पहनने के लिए करके? तो ऐसा ही है गाइस, मेरे पास बस दो ही जोड़े कपड़े लेके मैं आया था और उन्हीं में घूम रहा हूँ, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, बस मज़े ले रहे हैं मुंबई के। एकदम नज़ारे समुंदर के किनारे, कितनी प्यारी प्यारी लहरें आ रही हैं यहाँ पे, और मन कर रहा है कि नहा लूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों आप नहा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग नहाते हैं, अभी बहुत ठंडा हो रहा है, तो आप ऐसे कुछ काम नहीं करेंगे। हम गए थे दोस्तों 15 बीच, अगर आपने वो ब्लॉग देखा था आप देख सकते हैं, ऊपर आए बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। और 15 बीच जो है बहुत सही जगह ही है, ये एक्जैक्टली जैसा आप सोचते हैं कि एक बीच होना चाहिए वैसे ही है भाई। अभी इन्जॉय के मूड में, इसके लिए अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं आपको, एकदम ठंडे दिमाग से सोच के बताएंगे अबाउट दैट, मतलब कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मतलब लोग ही लोग दिख रहे हैं, मतलब तो कितना बड़ा, कितना लंबा बीच है और कितना सही है यहाँ पे। और हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, मुंबई का ट्रैफिक आपको पता ही होगा, तो वरना सनसेट दिखाते आपको, बहुत ही क्रेजी सेक्सी सनसेट यहाँ पे होता है 6 बजे के आसपास, तो वो मिस हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे फ्यूचर में आपको ऐसी चीज़ें दिखाने की। दूसरी चीज़ मैं सोच के आया था कि जेट स्की चलाऊंगा यहाँ। मस्त फोटो शूट चल रहा है भाई इंस्टाग्राम मॉडल का, ब्लॉगिंग करने के लिए भी बहुत सही है, लेकिन एक चीज़ सोच के आया था कि मैं यहाँ पे जेट स्की चलाऊंगा और एकदम उड़ाऊंगा पानी में जेट स्की को, लेकिन ये यहाँ पे अभी है ही नहीं। तो अभी बरसात का सीज़न चल रहा है तो शायद इसलिए बंद कर रखा हो, या पता नहीं हम लेट हो गए हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो लेकिन आगे कोशिश करेंगे कभी कि यहाँ पे आके फुल मज़े कराया जाए, और जितनी भी एक्टिविटीज होती है सारी की जाए, लेकिन अभी तो बस खाली समंदर और समंदर की लहरें। तो फिर अब एक मस्त सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आपको बीच का, जुहू बीच का, और उसके बाद मिलते हैं आपसे बाद में।
तो दोस्तों जिनको पता नहीं है हम बता देते हैं, कल हमारे जो है एमजी बाबा का बर्थडे है और इन्होंने और इसको ताज में कल चाय पियेंगे वहाँ। इन्होंने जो है होटल ताज में बुकिंग चाय पिलाने का वादा कर रखा है, तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ताज होटल के सामने वाली जो रोड है उसके 1 किलोमीटर आगे एक ठेला लगता है जो इनकी पहचान का है, तो वहाँ पर इन्होंने डिमांड दे दी है कि 20 समोसे एक्स्ट्रा बना देना, कल इनका बर्थडे है। तो अगर ताज में नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ पे इनकी बर्थडे ट्रीट होने वाली है। तो भैया चलो फिर अब जुहू बीच भी देख लिया है, अभी थोड़ा पैर साफ करके आता हूँ, थोड़ा रेत फंस गई है चप्पलों में और उसके बाद चलते हैं। तो भाई बढ़िया जगह है, इंजॉय कर निकले। अगर कोई साथ में हो, अगर कोई महिला मित्र हो साथ में तो फिर और ज़्यादा मज़े आएंगे, लेकिन ठीक है भाई अच्छा है। अगर नहीं भी है फिर भी ठीक है, मैं तो कहूँगा एक बार मुंबई आए हो तो जू भी जरूर आना। तो अभी हमने तो देख लिया है, तो अभी हम चलते हैं कहीं और, तो अभी शायद वापस ही जाएंगे। फिर कल जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, और फिर अगल बगल जितनी भी चीज़ें होंगी होटल ताज आज वो वगैरह वो सब भी दिखाएंगे। ब्लॉग शायद इतना लंबा हुआ भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए था, चलो ठीक है। तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग यू चुकार ब्लॉग। तुम्हें आज और जाने तुम्हें कल भी, ये दुनिया माया जाल है, तू जाने इसमें फंस नहीं, जो हंसता तुझ पे सुन के सपने तेरे उन पे हंस भाई, और कह दे उनको मुंह पे मेरे सपने होंगे सच भाई।